17-18 लोग थे, आज 10 बचे। कल को समर से झगड़ा हो जाएगा, समर तो बाहर हो जाएगा, 8 बचेंगे और किसी से हो जाएगा। तो भाई ये तो शो का फॉर्मेट है। हर वो बंदा जो तुम्हारे दिमाग से तुम्हें ऐसा लगे वो तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, उससे दूर रह के अपना सोलो गेम खेलो, क्योंकि हमें मालूम है तुम हमारी शेरनी बेटी हो और यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले स्वागत है आपका E24 चैनल में। ईशा से आप 3 महीने के बाद मिल रहे हो, कैसा लगा वो 24 आवर्स, कैसे थे ईशा से मिलके? मिल रहे हो नहीं, मैं मेरी बेटी से मिलके आ गया हूँ। कल का गया था मैं बिग बॉस हाउस में और अभी मैं मिलकर आ चुका हूँ बीबी हाउस से बाहर। वो एक तो बीबी हाउस अपने आप में इतनी खूबसूरत जगह है कि अंदर जाके मजा आ गया मुझे, और मैं थैंकफुल हूँ बिग बॉस सर का कि उन्होंने हमें 3 महीने बाद ये ऐसा मौका दिया कि हम हमारी बेटी से मिल पाए। और आप सोचो ना, किसी बच्चे से 3 महीने दूर रहने के बाद जब माँ बाप मिलते हैं तो कैसा लगता होगा, वो फीलिंग्स मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, आपको बता नहीं सकता। और इसी के साथ ईशा ने बहुत अच्छा गेम खेला है, उनकी मॉम जो है उन्होंने भी सपोर्ट किया है। बाकी उन्होंने एक पोस्ट भी किया था ईशा की मॉम ने, जहाँ पे उन्होंने कहा कि जो गेम है वो अच्छी नहीं खेल रहे हैं बाकी के जो लोग हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने जो पूरा पोस्ट किया था स्टोरी पे एंड ट्वीट किया था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या पूछना चाह रहा है। मतलब आपकी वाइफ ने ना एक पोस्ट किया था जहाँ पे उन्होंने लिखा था कि मेंटल हेल्थ को लेके, उसको लेके बेचारा बताया जा रहा है अभिषेक को, एंड ईशा समत को एज अ विलन घोषित कर दिया जा रहा है। तो उसके बारे में देखिए, गेम अंदर बीबी हाउस में जो चल रहा है उसका हर आदमी की पर्सनल लाइफ अलग है। मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहता हूँ, यदि वाइफ ने कुछ पोस्ट किया है किसी की हेल्थ को लेके, तो मुझे लगता है कि बीवी में जो चल रहा है ना वो उनके आपसी मुद्दे हैं, और बिग बॉस खत्म होने के बाद वो अपने आप वैसे ही शॉर्ट आउट हो जाएंगे, किसी को कुछ सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहां तक अंदर लड़ाई झगड़े का सवाल है तो बीवी 17 चल रहा है, मैं उसको कब से फॉलो कर रहा हूँ, बगैर लड़ाई झगड़े के बीवी चलते ही कहां है। ईशा और समर्थ का रिश्ता जो है आपको कैसा लगता है? शो के फॉर्मेट के हिसाब से सबकी अपनी अपनी वो होती है। 17-18 लोग थे, आज 10 बचे। कल को समर्थ से झगड़ा हो जाएगा, समर्थ बाहर हो जाएगा, 8 बचेंगे और किसी से हो जाएगा। तो भाई ये तो शो का फॉर्मेट है। आज आपसे दोस्ती है, अंकिता जी विक्की भैया वो से कितना झगड़ती है, लेकिन तो इसका मतलब क्या है भाई, वो शो अपनी जगह, अपना खुद का इंडिविजुअल गेम खेली है, बढ़िया आगे बढ़िए। या क्या एडवाइस दी है आपने ईशा को जब आप घर से बाहर निकले, किसके साथ रहना चाहिए और किसके साथ नहीं रहना? ईशा से एक ही बात बोली है कि हर वो बंदा जो तुम्हारे दिमाग से तुम्हें ऐसा लगे वो तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, उससे दूर रह के अपना सोलो गेम खेलो, क्योंकि हमें मालूम है तुम हमारी शेरनी बेटी हो और यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स।